वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले आज ये मेरी दादी अम्मी बताएंगी, बिहारी स्टाइल ठेकुआ। मेरी दादी अम्मी इंग्रेडिएंट्स बताइए रेसिपी के लिए। इसके लिए हमें चाहिए आटा, मैदा, सूजी, चीनी। हाँ तो चलिए पहले आप मेजरमेंट करिए फिर बताइए। जिसके लिए हमें आटा चाहिए, सबसे पहले क्या ले रहे हैं? आटा 3 चम्मच, बड़ा चम्मच से 3 टेबल स्पून आटा, बड़ा चम्मच से आटा, ठीक है। उसके बाद इसमें लेंगे मैदा, कितना? 2 चम्मच लेंगे मैदा, बड़ा 2 टेबल स्पून, बड़ा चम्मच से 2 चम्मच लेंगे मैदा, ठीक है। उसके बाद सूजी लेंगे, कितना टेबलस्पून? इसको रावा भी बोलते हैं, ठीक है। सूजी ये लेंगे हम 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून सूजी, मैदा, आटा, है ना? आटा, मैदा, सूजी, ऐसे बोलो सीधा। हाँ वो मैं ना बैकवर्ड बोल रही थी। अब बताइए क्या मिलेगा इसमें? अब चीनी देते हैं ना, आपको चीनी क्या जा रहा दादी अम्मी? अब चीनी जाएगा 4 चम्मच, 4 टेबलस्पून। ये मैदा में भी नहीं मिलाना है? नहीं अभी कैसे, इसको थोड़ा ये शुगर सिरप बनना है मतलब। 2, 3 और ये हो गया 4 टेबल स्पून। चलिए बताइए इसमें हल्का थोड़ा सा पानी जाएगा, जो गला के ला बेटा, मतलब कि ज़्यादा लिक्विड नहीं डालना है, 2 चम्मच पानी, हाँ कड़ा ही रहना है, ठीक है। फ्रेंड चीनी और पानी को हम लोग इसको चढ़ा चुके हैं, अब इसको डिसॉल्व करेंगे और मतलब एक बॉयल तक ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड जो चीनी था वो डिसॉल्व हो चुका है, अब इसमें क्या डालेंगे दादी में? इलायची पाउडर। अब इसमें जा रहा है हमारा इलायची पाउडर, 2 चम्मच, बड़ा चम्मच से घी है, ठीक है। मैदा जब ठेकुआ बनता है उसमें देना जरूरी है घी, जिसे खासता क्रिस्पी बनता है। इसको हाथ से मिलाएंगे और अभी चीनी नहीं डालना है? नहीं मिला लेंगे तब ना। अच्छा ठीक है। और देखिए चीनी जो है वो अच्छा तरह से हमारा डिसॉल्व हो चुका था, हाई नहीं लो फ्लेम भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर हम पका के चलाए। चलिए धीरे धीरे हाथों से हमें मिलाना, मिक्स करना है अच्छी तरह से, अच्छी तरह मिलाना। यम्मी अब ये मिक्स हो गया है, अब इसको ऐसे देखना है हाथों से दबा के, देखो हमारा मुट्ठी बन जा रहा है। हाँ ये परफेक्ट हो गया, देखिए एक बार और दिखलाइए तो किस तरह से। हाँ देखिए इस तरह से, ठीक है, हम लोग का मुट्ठी बन रहा है। और अब तो घी नहीं डालना है? घी अंदर डाले, रिफाइंड से ऊपर छाना आएगा, ठीक है। अब इसमें जा रहा है मेन चीज़, डिसॉल्व किया हुआ शुगर सिरप। चलिए डालते जाइए धीरे धीरे करके। ये बिहार की स्पेशल फेमस ठेकुआ है, हम लोग बिहारी हैं, बनाते हैं बिहार में, बना रहे हैं। ये मेन कब बनता है? जब दिल चाहे तब बना के खा सकती हो। हाँ कोई फेस्टिवल बनता है वैसे तो पता नहीं मुझे, जब दिल चाहे। लोग बिहारी हैं, बिहार में बना खाते हैं, अब आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी बनाइए खाइए। हाँ तब कहिएगा कि बिहारी लोग क्या खाते हैं। हाँ चलिए धीरे धीरे करके से
अच्छे से, कैसे मतलब आटा जैसे डो होता वैसे ही बनना चाहिए? थोड़ा सख्त गूंद आता है ना। अच्छा आटा ये होता है सॉफ्ट होता है? हाँ, अभी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, इसका भी सूजी पड़ा हो सब पानी पी लेगा सब। अच्छा सोख लेगा अपने में सूजी, सोख लेगा फिर बढ़िया हो जाएगा, दिखाएंगे अभी। ठीक है तो चलिए आपसे मिलते हैं पूरा बनने के बाद। हो गया दादी अभी डो बना? अभी नहीं बना भाई, अभी कहाँ, अभी इस लेबर पर हमको डालना है नारियल, कटे हुए, कटा हुआ नारियल, कटे हुए नारियल वही मेल करके काटे हैं। नारियल का पाउडर भी पड़ता है पर मेरे पास पाउडर नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास नारियल। हाँ नारियल का पाउडर इसी को देके अभी मिलाएंगे, उसके बाद फिर और सिरप देके उसको बनाएंगे। हाँ मतलब अभी ये डो जैसा एकदम नहीं बना, एक बार हाथ में दिखाई तो बांध कर। अभी कैसे होता, अभी कैसे बांधेंगे देखिए। हाँ वैसे बन रहा है, अब थोड़े थोड़े सिरप देंगे करके, थोड़ा थोड़ा करके सबको अच्छे तरह से डो बनाएंगे इसके। चलिए ठीक है तो डो बनने के बाद मिलते हैं ना दादी में। तो फ्रेंड डो हो गया इस तैयार, दिखाई दादी अम्मी हो गया तैयार? देखिए बहुत सॉफ्ट बना है, अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। हो गया सॉफ्ट तैयार? हाँ हो गया, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देते हैं। ठीक है तो चलिए फ्रेंड 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड 10 मिनट यहाँ पे हो चुका है, दिखलाई दादी अम्मी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। फ्रेंड यहाँ पे डोई बन रहा है, दो पीस बना चुकी दादी अम्मी, अब तीसरा बना रही हैं। देखिए इस तरह से दादी में दिखलाइए, तो देखिए दादी में इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है इसको बेलना है, बेल के फिर कटाएगा। ठीक तो यहाँ पे दादी अम्मी बेलना स्टार्ट कर चुकी है, एकदम इस तरह से हमें बेलना है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड अब दादी अम्मी गिलास की मदद से इन्हें गोल गोल काट रही हैं। दादी में ऐसे ही कटेगा? हो ठीक है, थोड़ा मोटा रहता है देखो इसे। हाँ इस तरह से तब सॉफ्ट बनेगा। हाँ ऐसे भी 10-15 मिनट हम लोग छोड़ दिए थे, इसलिए ऐसे खुद सॉफ्ट बन गई है। तो फ्रेंड यहाँ पे दादी अम्मी सब बना ली हैं देखिए, और जितना भी इसका कोनी था जितना वो सब वेस्ट, वो सब निकाल दी हैं। अब बीच में देखिए दादी इसमें डिज़ाइन भी बनता है बीच में? बनाएंगे अभी सब बेलने के बाद। अच्छा ठीक है, एक एक करके अब दादी अम्मी रखते जा रही हैं। तो चलिए अब दूसरा डोई को बनाते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सब बन के हो चुका है रेडी, अब क्या करना दादी अम्मी? अब खरी तलाएगा मतलब फ्राई होगा, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। अब एक कढ़ाई ली है, इसमें हम लोग डालेंगे तेल। यहाँ पे तेल जो है वो गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके जो हमारा टेकवा है वो सब छोड़ेंगे, और इसे एकदम डीप फ्राई करना, मतलब फ्राई गोल्डन ब्राउन जो होता है वो नहीं करना, एकदम जब तक ये डीप फ्राई नहीं होगा तब तक हम गैस को धीमे फ्लेम पर नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारा जो है टेकवा वो फ्राई हो रहा है, अलट पलट करके हम लोग सब ठेकों को ऐसे ही फ्राई करेंगे। मम्मी हो गया? हाँ हो गया बेटा, अब निकालते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमें चाहिए था डीप फ्राई से कहते, तो एक एक करके हम लोग निकालते। चलिए सेकंड डालेंगे हम लोग, इसको भी एक एक करके हम लोग डालते जाएंगे। जितना भी हमारा ठेकुआ है वो सबको अब इसमें एक ही बार में डाल देंगे कि इतना कैपेसिटी है कि जा सके। ठीक है
तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जितना भी ठेकुआ है वो बन के हो चुका रेडी। और देखिए ये अंदर से कैसा लग रहा है, हम लोग खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आप भी अपने घर में बनाइए और इन्जॉय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।